Dr. Vikas Mahatme, associates and please. Thank you, Chairman sir. मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक D&T ट्राइब्स जो है उनके परेशानियां या कठिनाई के तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ. D&T यानी डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जिसे इन्हें घुमंतु भी कहा जाता है. महाराष्ट्र में इसमें धनगर कम्युनिटी यानी शेफर्ड, जो पाल, बघेल, गडरिया, गायरी, कुरुबा, कुरुमन इत्यादि नामों से जानी जाती है, हर एक स्टेट में अलग अलग नाम से. और ये पूरे घुमंतु मिलकर करीबन 10% से भी ज़्यादा आबादी है, लेकिन इनकी कोई पहचान नहीं है. जैसे SC ST OBC कहा जाता है, वैसे घुमंतु या D&T करके अलग ग्रुप बनाया गया नहीं है. इसलिए मेरा ये कहना है, इनको पहले अंग्रेज काल में क्रिमिनल कम्युनिटीज़ यानी नोटिफाइड ट्राइब्स करके कहा जाता था, लेकिन यह तो कम्युनिटीज़ फ्रीडम फाइटर थी सर, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती थी, इसलिए उनको क्रिमिनल कम्युनिटीज़ करके कहा गया था. अभी हमने उनको डीनोटिफाइड किया है, लेकिन अभी भी उनका शोषण और डिस्क्रिमिनेशन शुरू ही है. मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जैसे नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसमें SC के ST के OBC के कितने लोगों पर केसेस हुई है दर्ज, इसका ब्यौरा दिया जाता है. उसी प्रकार घुमंतु के लिए भी एक कॉलम बने, D&T का भी एक कॉलम रहे कि इनके ऊपर कितने केसेस हुए, ताकि ये पता चले कि कितना अन्याय हो रहा है उन कम्युनिटीज पे. दूसरा, सेंसस में भी इनके तरफ ख्याल दिया नहीं जाता है, SC ST OBC के तरफ दिया जाता है, D&T का कोई अलग से सेपरेट कॉलम नहीं है. मैं सरकार का अभिनंदन करना चाहूँगा कि पहली बार घुमंतु के लिए एक स्कीम लाई गई है, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ डीनोटिफाइड ट्राइब्स. तो इसके जरिए हाउसिंग, एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ के लिए स्कीम बनाई है, लेकिन यह ऑनलाइन है, अच्छी बात है. वो उनके तक के कैसे पहुँचे और उनका रजिस्ट्रेशन कैसे बढ़े और इसमें जो कठिनाइयाँ हैं